हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपके लिए पंजाब की बहुत ही फेमस डिश लेके आया हूं, अमृतसरी छोले, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो भटूरे बनाने की रेसिपी शेयर की थी, तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स यही आए थे कि अमृतसरी चने बनाने की रेसिपी भी जल्दी से जल्दी शेयर करें। तो आपके लिए बहुत ही ईजी और टेस्टी चने बनाने की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है वो अमृतसरी चने जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये अमृतसर में ही नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके हैं और आप इनको इजीली घर पर बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। और कलर देखिए, कुछ लोग इनमें कलर नहीं निकाल पाते हैं, मैं कलर निकालने का भी तरीका बताऊंगा। और किसी किसी को तो व्हाइट चने जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं होते हैं, तो कुछ एक ऐसे इंग्रीडियंट्स का यूज़ करेंगे जिससे आपको ये चने जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है, तभी आप प्रॉपर तरीके से अमृतसरी चने बनाना सीख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ के जी व्हाइट चने लिए हैं, छोटे वाले चने। ये चने भी दो तीन प्रकार के रहते हैं, तो अमृतसरी चने बनाने के लिए आप किसी भी चने का यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम रहता है कि चनों को अच्छे से धो लेना है, दो से तीन पानी से अच्छे से धो ले चनों को, ताकि इनके बाहर से जो केमिकल की पॉलिश वगैरह चढ़ी होती है अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने चनों को धो लिया है। अब यहाँ पे मैं चनों को गर्म पानी में सोख कर रहा हूँ। गर्म पानी डालने से चने जो वो डेढ़ से दो घंटे में अच्छे से सोख हो जाते हैं, अच्छे से फूल जाते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्राई आंवला लिया है, ड्राई आंवला आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और दो छोटे चम्मच यहाँ पे मैंने चाय पत्ती ली है। चाय पत्ती को आपने किसी भी कॉटन या सूती कपड़े में ऐसे बांध देना है। ड्राई आंवला ऑप्शनल है, अगर आपको ना मिले तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, बट ड्राई आंवला से बहुत ही बढ़िया कलर निकल के आता है। अब हम चनों में चाय पत्ती और ड्राई आंवला क्यों डालते हैं, डार्क कलर निकालने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो देखिए, अच्छे से आपने पोटली को बांध लेना है और उसके बाद इस पोटली और ड्राई आंवला को भी आपने चनों में सोख करने के लिए छोड़ देना है। जब आप चनों को भिगोने के लिए रखें ना, तो साथ में आप ड्राई आंवला और चाय पत्ती भी डाल दें, ताकि ये सोख करते टाइम से ही कलर छोड़ना शुरू कर दे। तो देखिए, चनों को आपने कवर करके दो घंटे तक सोख करना है। और अगर आप नॉर्मल पानी में चनों को सोख कर रहे हैं, तो कम से कम आपने 6 से 8 घंटे तक इनको भिगो के रखना होता है। तो ये देखिए, चने जो है दो घंटे में ही अच्छे से हमारे फूल चुके हैं, अच्छे से सोख हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद आपने इस पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि चनों को हमने अच्छे से पहले ही धो लिया था। ये पानी के साथ ही हमने चने प्रेशर कुकर में बॉईल करने के लिए डाल देने हैं। अब पानी कितना डालना है, जब भी आप कोई भी दाल बॉईल करें ना, तो एक कप अगर दाल ली आपने, तो 3 कप उसमें पानी डालना होता है, और साथ में 1 छोटा चम्मच सॉल्ट भी डाल देंगे, और थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है। ऑयल डालने से क्या होता है, जब प्रेशर कुकर में सीटी आते हैं ना, तो पानी बाहर नहीं आता है। अगर पानी बाहर नहीं आएगा तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो प्रेशर कुकर है वो गंदा होने से बच जाएगा। तो एक सीटी आने का वेट करेंगे, जैसे एक प्रेशर कुकर में एक सीटी आ जाए, तो अपने चनों को कम से कम 20 से 25 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में पकने देना है। तब तक हम इनके लिए मसाला बना लेते हैं। तो एक पैन लेंगे और उसमें 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे, और 1.5 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है, साथ में 1 छोटा चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे, थोड़े से देखिए मैंने 5 से 6 लौंग ऐड किए इसमें, 1 छोटा टुकड़ा आपने दालचीनी डालना है, 2 से 3 आपने छोटी इलायची डालनी है, 1 बड़ी इलायची डालेंगे इसमें, और ये रही जावित्री, बिल्कुल थोड़ी सी नाममात्र जावित्री डाली है मैंने इसमें, और 2 छोटे चम्मच इसमें डालेंगे अनारदाना। अनारदाना इस रेसिपी का मेन इन्ग्रीडियंट्स है। अगर आपके पास अनारदाना ना हो, तो आप अनारदाना पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए, इन मसालों को आपने एकदम लो फ्लेम में थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना है, ताकि ये मसाले जो हैं थोड़े ड्राई हो जाए और अच्छे से पीस जाएं। तो देखिए, मसाले यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। रोस्ट होने के बाद हमने इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को लास्ट में ही डालें, पहले मसालों के साथ नहीं डालना है, नहीं तो कसूरी मेथी जल जाती है। और ठंडा करके अपने मसालों का एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। तो ये वही स्पेशल मसाला है जिसका हम यूज़ करेंगे अमृतसरी चने बनाने के लिए, इसी मसाले से अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए, अब तड़के की तैयारी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, और 4 ही मैंने एकदम रेड कलर के टमाटर लिए हैं। प्याज और टमाटर को आपने पीस लेना है, देखिए ऐसे। आप चाहें तो प्याज को चॉप करके भी डाल सकते हैं, बट टमाटर को ग्राइंड करके ही डालना है आपने। फिर यहाँ पे मैंने 1 लगन ली है और उसमें 200 ml तक ऑयल ऐड किया है। ऑयल जैसे थोड़ा सा हीट हो जाए, तो फिर हम इसमें 1 साबुत मिर्ची डालेंगे। मिर्ची को आपने तोड़ के डालना है। 1 छोटा चम्मच साथ में साबुत जीरा डालेंगे, 2 तेज पत्ता और 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे इसके साथ में। और ये क्या डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाला है 1.5 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन आपने जरूर डालनी है, अजवाइन आपके चनों को जल्दी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। तो देखिए, अच्छे से मसाले तिड़क चुके हैं। फिर इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, हींग से अच्छा फ्लेवर आता है और हींग भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। फिर चॉप गार्लिक डालेंगे, तो गार्लिक को आपने अच्छे से थोड़ा पकने देना है। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने अच्छे से पका लेना है। तो देखिए, पेस्ट भी हमारा पक चुका है।
फिर हम इसमें ऑनियन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ऑनियन को हम पीस के तोड़ डालते हैं ताकि चनों में जो ग्रेवी है वो अच्छी बन जाए। आप चाहें तो ऑनियन को चॉप करके भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो देखिए प्याज को हमने हाई फ्लेम में अच्छे से पका लेना है, तब तक पकाना है जब तक इसका जो कलर है वो हल्का सा लाइट ब्राउन ना हो जाए। एकदम ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा लाइट ब्राउन तक आपने प्याज को पकाना है, देखिए ऐसे। फिर इसके बाद आपने जो टमाटरों की प्यूरी बना के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देनी है। अगर आपके पास मिक्सी ग्राइंडर ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपने टमाटरों की भी प्यूरी करके ही डालनी है, आप इनको चॉप करके भी डाल सकते हैं। और जब भी आप टमाटर डालें तड़के में तो साथ में आपने सॉल्ट जरूर डालना है। सॉल्ट से क्या है, जो आपके टमाटर हैं वो जल्दी पक जाते हैं। तो टमाटरों को आपने अच्छे से पकाना है जब तक टमाटर हैं जो अच्छे से दानेदार ना हो जाएं, क्योंकि ऑयल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो हम पहले तो बोल देते थे कि टमाटर अच्छे से ऑयल छोड़ देंगे तो टमाटर पक जाएंगे, बट ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो टमाटरों का दानेदार होना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में ही इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। एक छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, एक छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर, थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड की है, आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने देगी मिर्च पाउडर डाला है, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाली है आपने, और ये जो हमने मसाला बना के रखा था ना वो भी ऐड कर देना है। थोड़ा सा मसाला यहाँ पे मैंने बचा लिया है, इसको हम लास्ट में डालेंगे। तो इन मसालों को भी टमाटरों के साथ अच्छे से पका लेना है। अब मसाले को और टमाटरों को हमने तब तक पकाना है जब तक मसाला जो है अच्छे से दानेदार ना हो जाए। तो कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप गैस की फ्लेम लो करके इनको कवर करके भी पका सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मसाला और टमाटर जो अच्छे से दानेदार यहाँ हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और जो हमने चने बॉयल करने को रखे थे वो भी चेक कर लेते हैं, पके हैं नहीं पके हैं। चने पकते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके थे, तो प्रेशर कुकर खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं चने हमारे अच्छी तरह से यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं चने, और इनमें कलर भी अच्छा आ चुका है। तो अब ये जो चने हैं इसमें से हमने 1 से 2 लेडल पहले मसाले के अंदर डालनी है इसके अंदर, और इन चनों को हमने हल्का सा मैश कर लेना है ताकि जो हमें थिकनेस चाहिए, जो ग्रेवी चाहिए होती है, वो जो मैश करेंगे चने उनसे आ जाएगी। आप क्वांटिटी के हिसाब से चने मैश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा केजी चने बनाए, तो क्वांटिटी थोड़ी चनों की ज़्यादा है तो मैंने ज़्यादा चने मैश किए हैं। अगर आप चने कम बना रहे हैं तो आप थोड़े हिसाब से चने मैश कीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इमली ली थी, इमली को मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। इमली क्या करेगी, इमली से जो हमें चनों में खट्टा टेस्ट चाहिए होगा ना वो ला के देगी, और दूसरा कलर को भी अच्छा करेगी चनों के कलर को। तो इमली को आपने थोड़ा सा पका लेना है यहाँ पे। अगर आप इमली खाना पसंद नहीं करते हैं, इमली का टेस्ट खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसमें आमचूर पाउडर डाल सकते हैं इमली की जगह। फिर हमने बॉयल किए सारे जो चने हैं वो भी इसमें ऐड कर देने हैं, और चनों को अच्छे से मसालों के साथ आपने मिक्स कर लेना है, और कम से कम आपने चनों को 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में पका लेना है। और ये जो हमने इसमें ड्राई आंवला डाला है ना, ड्राई आंवला क्या करता है, अपना जो कलर है वो धीरे धीरे छोड़ता रहता है, और उससे चनों का जो कलर है वो डार्क से डार्क होता चला जाता है। तो ये देखिए, चने जो हैं वो ड्राई से होना शुरू हो चुके हैं। तो जो मसाला बचा था ना वो मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया यहाँ पे। तो इस मसाले को भी अच्छे से चनों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, आपको अभी चनों का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा, बट इसमें जो हमने ड्राई आंवला का यूज़ किया ना वो चनों को एकदम थोड़ी देर में डार्क कर देता है। हम लोग क्या करते हैं ना, इन चनों को रात को बना के छोड़ जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो उससे इन चनों का जो सुबह तक कलर है ना वो एकदम डार्क हो जाता है। तो एक पैन लेना है आपने, फिर उसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालना है, थोड़ा सा साथ में ऑयल ऐड करना है। ऑयल यहाँ पे ऑप्शनल है, आप प्योर घी का तड़का लगाना चाहते हैं तो ऊपर से प्योर घी का तड़का लगा सकते हैं। 3 से 4 आपने मिर्ची डालनी है स्लिट की हुई, साथ में थोड़ी सी और अजवाइन डालेंगे इसमें। अजवाइन से फ्लेवर भी अच्छा आता है और डाइजेस्ट करने में भी प्रॉपर हेल्प करती है। साथ में थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हींग ऐड करी है, तो थोड़ा सा इनको तिड़कने देते हैं। जैसे अच्छे से तिड़क जाएं तो ऊपर से आपने छोंक लगा देना है और चनों के साथ इसको मिक्स कर लेना है। तो ये बन गए होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल अमृतसरी चने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहेंगे, आप बना के देखिए।